शासकीय नेहरू डिग्री महाविद्यालय बुढ़ार में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रीय सेवा योजना नेतृत्व प्रशिक्षण शिवपुरी से लौटे स्वयंसेवकों का परिचय कराते हुए एनएसएस जिला संगठक अनिल उपाध्याय जी ने वॉलंटियर्स को मेडल प्रशस्ति पत्र आदि देकर वॉलंटियर्स का मनोबल बढ़ाया तथा प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय शिविर में सभी एनएसएस वॉलंटियर्स को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता द्विवेदी तथा डॉक्टर नापिस सर ने अतुल सेन, नवनीत शर्मा, यशस्वनी शिखा को एक पौधा तथा ब्राउन पेपर बैग देकर पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ तथा प्लास्टिक हटाओ, पृथ्वी बचाओ का संदेश दिया। साथ ही एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता द्विवेदी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वॉलंटियर्स को पुष्प गुच्छ के स्थान पर पौधे दिए गए हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराना होगा तथा प्लास्टिक के विकल्पों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। प्लास्टिक हटाओ पृथ्वी बचाओ कैंपेन चलाकर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को बतलाकर अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें अनुज कोल, आयुष गुप्ता का विशेष योगदान रहा। अतुल सेन, नवनीत शर्मा, यशस्वनी शिखा ने अपने अनुभव साझा करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य समाज सेवा द्वारा व्यक्तित्व के विकास तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य समाज सेवा द्वारा शिक्षा एवं शिक्षा द्वारा समाज सेवा से अवगत कराते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना नेतृत्व प्रशिक्षण शिवपुरी में बिताया प्रत्येक दिन यादगार है। शिवपुरी में बिताए 7 दिनों में मेघा परमार ने अपने अनुभव शेयर किए तथा यूनिसेफ के मार्गरेट क्वार्टर ने बाल संरक्षण तथा महिला के साथ हो रहे अत्याचार से अवगत कराते हुए उनके अधिकारों को हमें बतलाया। संपूर्ण शिविर के नेतृत्व प्रशिक्षणकर्ता राहुल सिंह परिहार के व्यक्तित्व के बारे में स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर एन मानिकपुरी, डॉक्टर आई के बेग, डॉक्टर एस एम प्रजापति, डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा संपूर्ण स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।